नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ जुड़ चुके हैं बिग बॉस की अपडेट के साथ। फिनाले बहुत ही नजदीक है और कंटेस्टेंट के बीच एक दूसरे के प्रति जीत की भावना, एक दूसरे को हराने का खेल स्प्रिट, वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। जितना इंपॉर्टेंट गेम घर के अंदर हो रहा है, उससे ज्यादा बड़ा गेम घर के बाहर हो रहा है इस वक्त। अब सारी की सारी जिम्मेदारी जनता के हाथ में है। वोटिंग लाइन शुरू हो गई है जो सोमवार को दोपहर 12 बजे तक की जा सकती है। तो अगर आप भी बिग बॉस के फैन हैं और आप किसी को वोट करना चाहते हैं तो आप भी जियो सिनेमा पे जाकर अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट दे सकते हैं। पर अब वहां पे एक तरफ एलवी शादो, फुकरा इंशान, मनीषा रानी, बेबिका, पूजा भट्ट जैसे कंटेस्टेंट हैं जो जीत के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी उनको पता है कि कौन जीत के करीब है, कौन जीत से काफ़ी दूर है। क्योंकि घर के अंदर एक माहौल तो बन गया है कि कौन मतलब पास जा सकता है, लोगों ने हार मान रखी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि घर के बाहर गेम हो क्या रहा है, क्योंकि घर के अंदर का गेम तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि वहां पे कैमरा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे घर के बाहर का गेम। तो देखिए, आपको पता है कि दोनों यानी फुकरा इंसान और एलवी शादो की दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मतलब इतनी फैन फॉलोइंग शायद ही बिग बॉस के इतिहास में और किसी की रही होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं। क्योंकि जिस हिसाब से बाहर वोट करवाए जा रहे हैं, आप मानेंगे नहीं, ये अभी तक का सबसे बड़ा, एक तरीके से बड़ा कंपटीशन होने वाला है बिग बॉस के इतिहास में। क्योंकि इस तरीके से किसी के लिए वोट नहीं करवाए गए, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत फेमस थे, वो जीते थे, उससे पहले के कंटेस्टेंट जीते होंगे, पर जिस हिसाब से इस बार बाहर लोग एफर्ट कर रहे हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताने के लिए, जितने बड़े बड़े मीटअप्स हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े लाइव्स हो रहे हैं, 5-5 लाख लोग, 4-4 लाख लोग, 2-2 लाख लोग लगातार लाइव जा रहे हैं और वहां पे वो एक दूसरे को मतलब लाइव वोटिंग करवाई जा रही है। तो आपको बताते हैं, एलवी यादव की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से, जो इसमें कटारिया और कुछ लोग उनके जो दोस्त हैं, वो पूरी टीम मतलब वो वोटिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं। उन्होंने पहले क्या किया, वो पैम्पलेट यानी कार पे पैम्पलेट लगवा रहे, होर्डिंग्स लगवा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लाइव एक बार इंस्टाग्राम पे किया, जिसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। उसमें एलवी शादो के अकाउंट्स है, पर एलवी शादो नहीं थे उसमें। उसमें कटारिया उनके दोस्त यानी एलवी आर्मी थी और करीब 4 लाख लोग लाइव आए थे उस वक्त। 4 लाख, आप समझ रहे हो, इतने बड़े बड़े, तो इतने लोग तो आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यानी विराट कोहली जैसे के लाइव में नहीं आते, सलमान खान भी लाइव आ जाए, जितने बड़े बड़े उनके लाइव में भी इतने सारे लोग नहीं देखे जाते जितने कि एलवी शादो के। वहीं दूसरी तरफ फुकरा इंसान की तरफ से उनके भाई जो ट्रिगर्ड इंसान है, वो 24 घंटे लाइव जा रहे हैं। आप सोच रहे, 24 घंटे एक अपने भाई को जिताने के लिए, मतलब ये एक तरीके से जो जज्बा है, ये पहले के कंटेस्टेंट में कहाँ ही देखा जाता था। पर अपने भाई को जिताने के लिए दिन रात लगे हुए, बड़े सारे यूट्यूबर, बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स लाइव आ रहे हैं, वोटिंग अपील कर रहे हैं, लाइव वोटिंग अपील हो रही है और करीब 1.5 लाख लोग लगातार लाइव हैं। यूट्यूब जैसी जगह पे शायद आप ये देखिए कि लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे भी इतनी सारी लाइव वॉचिंग नहीं जाती जितनी यहाँ पे जा रही है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उस दिन जब वो वहाँ पे लोकसभा में स्पीच दे रहे थे अपनी, तो उस दौरान भी जो वहाँ पे YouTube पे कमेंट सेक्शन पे चल रहा था, फुकरा इंसान, एलवी शादो सिस्टम, यही सारी चीज़ें चल रही। तो मतलब एक तरीके से माहौल जो है ना बिग बॉस का, फिनाले का, एक तो पारा चढ़ चुका है। लगातार दोनों पार्टियाँ कोशिश कर रही है कि हमारे कंटेस्टेंट जीतेंगे। दो ही हैं टॉप, फर्स्ट वन सेकंड वन, एलविश और फुकरा, फुकरा एलविश, फुकरा एलविश, यही दो होंगे। वोटिंग हो रही है, कंपटीशन तगड़ा है, अभी तक का सबसे बड़ा कंपटीशन इन दोनों के बीच हो रहा है बिग बॉस के इतिहास में। अब देखना होगा कि अब ये सोमवार को पता तो लग जाएगा जीतने कौन वाला है। तो लगातार कोशिश हो रही है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा ये बिग बॉस OTT सीजन 2, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे जैसी भी कोई अपडेट आएगी बिग बॉस की। और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें न्यूज रूम पोस्ट।